आम सहित रही प्रोफेसर आलोक मिश्र रही प्रोफेसर मिश्र आपको स्वागत कर बिल्कुल आज्ञा सर द मैन हू ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड जो सीधा सड़क कह बड़ कथा कि जी डेजिग्नेटेड आज ए नेशन मैंने इकोनोमी वर क्रिमिनाल हिसाब से से वर्तमान लोकतंत्र कथा कहते सी वर्तमान भारत माने लोकतंत्र को नहीं बे इंटरेस्ट शो कर कहीं भारत माने लोकतंत्र सहित हठात जज सरकार ये इंटरेस्ट कहीं भारत मामलें ये से निजर मानने इंटरेस्ट शो कर कौन कारण होता पारे प्रोफेसर मिश्र देख तो त्रिपाठी बाबू ऑलरेडी कही सारे तो मुझे मोर मंतव्य रखा पूर्व आर्गस न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद जे आपण मते मोर व्यू रखिया पई इनविटेशन देले सब दर्शक बंधु मान नमस्कार ए जो जॉर्ज सोरस आज हठात करी गोटे मंतव्य थरे देले ये कंप्लीटली भित्तिहीन भारत रो जो बुनियाद रही भारत आज गोटे प्रगतिशील देश भाव समस्त पाखे निजर परिचय प्रदान करी आमर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो एंड इवन तो रिसेंटली जो बजेट रे गवर्नमेंट रो जो विजन थिला आमर एस्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर फिस्काल कंसोलिडेशन एंड कोरोना टाइम रे आमे जो प्रकार सब देश मानक सामना रे आमर हेल्थ केयर एक्सपोजर को नहीं केते क्रिटिसिजम आसिले मध्य गोटे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आ गोटे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री द वे वी हैंडल द कोरोना कोविड 19 सो दैट इटसेल्फ शोज भारत डेमोक्रेसी भारत सोसाइटी भारत अर्थनीति ये सबुतर गोटे क्लीयर भिजन रही इवेन आमर जो रोल रहा इन एक्सटर्नाल अफेयर्स कनफ्लिक्ट देश देश भितर रशिया एंड यूक्रेन कनफ्लिक्ट भितर वी हैव प्रूव्ड आवर पोजिशन तो ये जो जॉर्ज सोरस इवेन दो इट इज ए फाउंडिंग सोसाइटी फॉर द डेमोक्रेसी एंड ऑल दे डोंट हैव इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द डेमोक्रेसी इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द कंट्री इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द इंडियन सोसाइटी बट व्हाट आई फील मत या लगुच कंप्लीटली भित्तिहीन ये सब प्रकार कमेंट को हमको सीरियसली नबा कथा नुह अदानी ग्रुप उपरे हाइडन ग्रुप रो जहां रिपोर्ट थिला आमे आमर गवर्नेंस आमर इंफ्रास्ट्रक्चर आमर प्लानिंग आमर डिजाइनिंग आम वर्तमान बेसी ध्यान दबा कथा ये जिनस को कम्प्लीटली भित्तिन आम इसको बिल्कुल आपको सीरीयसली न नहीं आम डेमोक्रेसी आम सोसाइटी एंड आम अर्थनीति आगे आम जमी प्रगतिशील अच्छे आम सेमती आगे जावा कथा या सहित ये डेमोक्रेसी या सहित किसी कनेक्शन नहीं इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द इंडियन सोसाइटी इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द इंडियन डेमोक्रेसी।